जनपद और 5 नगरी निकायों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 26 जनवरी को होना है। इसी सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर हर्ष दीक्षित सारंगपुर पहुंचे। अभी सारंगपुर में 2 कार्यक्रम आगामी दिनों में होने वाले हैं, तो उसको लेके दोबारा एक 26 तारीख को सामूहिक विवाह सम्मेलन रहेगा जिसमें करीब 170 जनों का सामूहिक विवाह किया जाएगा, उसको लेके दौरा था। एक 21 तारीख का कार्यक्रम रहेगा, उसके बारे में विधायक जी मुझे लगता है डिटेल में आपको बताएंगे। तिथि का कार्यक्रम है जिसमें सीएम साहब भी वर्चुअल रूप से जुड़ने वाले हैं और उनकी स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है और उनकी स्मृति में एक पार्क बनाया गया है भोजनगर कॉलोनी में जिसका लोकार्पण किया जाना है। ये कार्यक्रम हमारे 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर दीक्षित ने प्रशासनिक अमले के साथ सामूहिक विवाह के लिए चिन्हित किए गए स्थल कपिलेश्वर तीर्थ परिसर पर जाकर जायजा लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर दीक्षित ने बताया कि सारंगपुर और नरसिंहगढ़ में 2 जिला स्तरीय विवाह सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें जनपदों एवं निकायों को बांटा गया है। सारंगपुर में 26 जनवरी को होने वाले विवाह सम्मेलन में 171 जोड़ों का विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सारंगपुर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।